जय हिंद फ्रेंड्स, लगातार सिलेबस आने के बाद से आप लोगों का जिस तरह से कॉल और मैसेज आया है, निश्चित रूप से हमें इस वीडियो को बनाने पर मजबूर कर दिया है। साथियों, लगातार सभी शिक्षक साथियों का खास करके एक ही प्रश्न है कि नियोजित शिक्षक अब क्या करें, क्या अलग अलग से नियोजित शिक्षकों के लिए सिलेबस आएगा या इसी सिलेबस के अनुरूप तैयारी करनी होगी, परीक्षा दे अथवा न दे, क्या परीक्षा देने से लाभ होगा अथवा नहीं होगा, अगर परीक्षा देना ही पड़े तो तैयारी कैसे करें, और 6-8 वाले जो हमारे शिक्षक बंधु हैं या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ क्या होने वाला है। लगातार आप लोगों का यह प्रश्न, लगातार इस तरह का मैसेज हमें जो है मजबूर किया और हम ये वीडियो लेकर के आप लोग के सामने आए। साथियों, सिलेबस तो आया और सिलेबस में सबसे ज्यादा जो डर है वो दो बिंदुओं पर है, एक तो डर इंग्लिश का और दूसरा जो डर है वो निगेटिव मार्किंग का। तो इन दोनों बिंदुओं से जो आप डर रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कहा भी जाता है डर महज दिमाग के अंदर है, डर महज दिमाग के अंदर है, उससे बाहर जो निकला वही सिकंदर है। तो सिकंदर बनना है तो डर को दूर भगाना पड़ेगा और सफलता का परचम लहराना पड़ेगा। तभी सफलता का परचम लहरा पाएंगे जब आपके अंदर से डर का जो है एकदम पूरी तरीके से डर भाग जाएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं क्या अलग से सिलेबस आने वाला है। अभी तक का जो रुझान है, जिस तरह से जो जानकारियां मिल रही है, सिलेबस यही रहने वाला है। क्योंकि विद्यालय अध्यापक अधिनियम जो 2023 है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो उस यही सिलेबस रहने वाला है, दूसरा सिलेबस आने की संभावनाएं नहीं है। अब एक बात और जान लीजिए, जो विद्यालय अध्यापक अधिनियम 2023 है उसमें जो है अस्पष्ट रूप से निर्देश है कि जो भी इसके अधीन आएंगे लोग उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपको राजकर्मी बनना है, आप राजकर्मी बनने के लिए आप पिछले 10 से 20 वर्षों मतलब 2013-14 में जो ज्वाइन किए उनका 10 वर्ष हो गया और जो लोग 2003-04 में ज्वाइन किए उनका 20 वर्ष हो गया। लगातार आप लोग जो सड़क से सदन तक संघर्ष करते रहे हैं, डंडे खाए हैं, उसके बाद कितने गोले खाए हैं, उसके बाद जो है आज तक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो परीक्षा देना पड़ेगा। ये बातें हो गया तो सिलेबस आप लोगों ने समझ लिया कि सिलेबस यही रहने वाला है। दूसरी बात आप लोगों ने समझ लिया कि निश्चित रूप से अगर हमें राजकर्मी चाहिए, हमें अच्छा वेतन चाहिए। अच्छा वेतन मतलब क्या, अभी आपका वेतन 42,000-43,000 तक मैक्सिमम है। लगभग जो 1-5 के शिक्षक है, जो 6-8 के शिक्षक है, जो 9-10 के शिक्षक है, उनका भी लगभग 45-46 के आसपास ही है। लेकिन अगर आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, बीपीएससी को क्वालिफाई करते हैं, तो मिनिमम वेतन लगभग 44,000 1-5 का होगा और जो 9-10 के शिक्षक हैं या 11-12 के जो शिक्षक हैं उनका 55,000 के आसपास जाएगा। ऐसा आप लोगों ने देखा था, पत्र भी जारी हुआ था और उसमें स्पष्ट रूप से बताया भी गया था। तो वेतन संरक्षण का लाभ भी आपको मिल रहा है, उसके बाद आपको वेतन भी ठीक ठाक हो जा रहा है, पुरानी पेंशन का भी आपको लाभ मिल रहा है। तो ये चीजें हैं, तो एक बात तो है तो एग्जाम तो देना पड़ेगा। अब एग्जाम के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, जिसमें देख रहे हैं कि एक मतलब पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपका जो एग्जाम होगा वो 100 अंक का होगा 1-5 वाले लोगों का और लगभग 150 अंकों तक होगा आगे लोगों का जो 9-10, 11-12 वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 250 अंक सबके लिए कर दिए गए। 1-5 हो या 9-10 हो या 11-12 हो, आप सभी को भाषा के जो 100 प्रश्न है वो अनिवार्य है, जिसमें 75 आपका जो है हिंदी है और 25 आपका क्या है इंग्लिश है। ठीक है, 25 इंग्लिश है और 75 हिंदी है आपका, लेकिन उसमें क्वालिफाइंग है, उसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, 30% आपको लाना है, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन 30% लाने की जहां तक बात है, उसमें इंग्लिश में भी आपको क्वालिफाई करना होगा और उसमें हिंदी में भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इंग्लिश का डर नहीं है, आपको डरना नहीं है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तोप वाला नहीं आपसे पूछेगा जो आपको इतने डरने की बातें हैं। ठीक है, लाने कितने, 25 में 7.5 मार्क्स, लेकिन आपको डरना वहां पर है निगेटिव पर। जब तैयारी आप ढंग से करेंगे, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप निगेटिव कम लेने का प्रयास करेंगे और जब निगेटिव कम होगा आपका तो निश्चित रूप से जो है आप आसानी से सफल हो पाएंगे। तो ये बातें हैं, निगेटिव कम लेना होगा। एक बात और जान लीजिए, जब बीपीएससी एग्जाम ले रही है, जब भी आप देखेंगे जिस एग्जाम में भी निगेटिव की बात होती है,
निगेटिव मार्किंग की बात होती है उसका जो कट ऑफ होता है बहुत निम्न स्तर का होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता है, ठीक है। तो 150 अंकों का जो सामान्य अध्ययन है उस सामान्य अध्ययन पर ही आपका पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब देखिए बात आता है कि परीक्षा देने से लाभ होगा नुकसान, ये तो समझ गए कि लाभ ही लाभ है, नुकसान का तो कोई बात है ही नहीं। दूसरा बात है अगर परीक्षा देना पड़े तो तैयारी कैसे करें, तो सक्सेस की 92 का आप ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए आपको लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो सक्सेस की 92 आपको जो है पूरी तरीके से सभी विषयों का, इंग्लिश हो, हिंदी हो, गणित हो, गणित उनित का डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज 12 बजे आप लोगों के लिए ला रहे हैं गणित पर जो है विशेष कक्षा ला रहा है, एकदम बेहतरीन, जो बीपीएससी जिस तरह की प्रश्न पूछती है सिर्फ उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बीपीएससी के मतलब जो एग्जाम में जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन जिन चैप्टरों से पूछे जाते हैं उसी पर चर्चा करेंगे। तो आसानी से हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर जो है सो आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर का क्लास निश्चित रूप से करिए। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज 12 बजे तक ही आपको एप्लीकेशन पर ऑफर है, 12 बजे के बाद आप लोगों को चूंकि विषय बढ़ गए हैं समय बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षक बहुत सारे आपको आपके समक्ष होंगे, तो समझ रहे हैं कि आपको आपके लिए जो है क्या होगा, आपकी तैयारी जो है 100% आप लोगों को करवाएंगे, सफलता 100% आप लोगों को दिलवाएंगे। इसके लिए तैयारी जो होगी जबरदस्त होगी, पीडीएफ मटेरियल लेना हो या जो भी चीजें हो, हर एक चीज, टेस्ट होगा, लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, हर एक चीज आप तक पहुंचाया जाएगा। तो नीचे जो नंबर चल रहा है वहां पे कॉल करके, मैसेज करके इन सब चीजों की जानकारी आप ले सकते हैं। वहां पर भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर सारी जानकारी वैसे ही दिया हुआ है। तो 12 बजे तक जो लोग इनरोल्ड होंगे, जो अभी राशि चल रही है उसी में इनरोल्ड होंगे, 12 बजे के बाद आप लोग का अपडेट हो जाएगा, राशि बढ़ने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग जो है निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये बातें हैं सर तैयारी करने का, 6 to 8 वाले शिक्षक साथियों के लिए जो है अभी तक कोई ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि उन लोगों के लिए क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में कोई अभी तक उचित जानकारी नहीं दी गई है। नेगेटिव भी 1/4 होगा या 1/3 होगा ये भी स्पष्ट नहीं है, नेगेटिव का भी बात 1/3 होगा या 1/4 होगा ये भी पता नहीं है, और ऑप्शन भी 4 होंगे या 5 ये भी अभी तक पता नहीं है। तो बीपीएससी है, बहुत कुछ छुपा करके रखी हुई है, शिक्षा विभाग खास करके शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है परेशान करने के दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है, डर को दिमाग से भगा करके दूर भगाइए और तैयारी को पूरी तरीके से करना शुरू करिए। तो निश्चित रूप से अगर आप सफलता चाहते हैं सक्सेस की 92 को ज्वाइन करिए, सक्सेस की 92 पूरी टीम आप लोगों के लिए हर संभव पूरी तैयारी करवाएगी, एकदम पूरा सफलता दिलवाएगा, इसके लिए हम लोग जो है प्रतिबद्ध हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए।